alaikum student. I hope you all are fine. This is your new countdown book, class 5. A student, now open your book, page number 3. Question number 3. Select the correct answer from the given options. This is your second assignment of class 5. Student, question number 3 आपका है select the correct answer from the given options. इससे पहले हम इस chapter के जो questions कर चुके हैं, question number 1 मैंने आपको calendar dance करवाई थी, question number 2 आपके true false करवाई थी मैंने. और आप लोग first time pen से काम कर रहे हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि आपको किस तरह से work करना है. जो आपका ये question है, select the correct answer from the given options, ये आपको black pen से write down करना है. ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं. सेकंड, जब आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 3,735,205 इन फिगर इज, यहाँ तक आपको पूरा ब्लू पेन से राइट डाउन करना है. और जो इसके फोर ऑप्शन है ये भी आप ब्लू पेन से ही राइट डाउन करेंगे. ओके स्टूडेंट, और जो हम आंसर जो हम टिक मार्क लगाएंगे, जो इसका आंसर होगा ये फोर ऑप्शन से इनमें से जो भी आंसर होगा उसमें हम टिक मार्क करेंगे. ठीक है, तो वो टिक मार्क आप ब्लैक पेन से करेंगे. ठीक है, ब्लू पेन से आपका ज्यादातर वर्क ब्लू पेन से होगा, ब्लैक पेन से हम सिर्फ क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं. और जो हमारा आंसर होगा जिसे हमें टिक मार्क करना होगा वो हम ब्लैक से करेंगे. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3,735,205 इन फिगर्स. आपको फिगर में लिखना है, फिगर में हम किस तरह वैल्यू को लिखते हैं. ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके सारे फिगर में, फिगर में लिखने का मतलब है कि आप डिजिट में लिखेंगे. ठीक है, ये जो पेज नंबर हमने लिखा है ये हमारा डिजिट है और ये फिगर कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए गए, आप इन फोर ऑप्शंस को रीड आउट करें और इनमें से बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, किस पे टिक मार्क करना है. तो रीड करने का तरीका आपको पता है कि आप अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, यूनिट 100, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. क्योंकि ये आपके मिलियन की वैल्यू है, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू, तो यहाँ 3-3 डिजिट के बाद कॉमा आना चाहिए. फर्स्ट वाली वैल्यू में अगर मैं 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊँ तो पहले मैं 3 के बाद 1 डिजिट के बाद लगाऊंगी, फिर मैं 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगी. अगर मैं सेकंड वाली वैल्यू में कॉमा लगाऊँ तो मैं फर्स्ट पे कॉमा लगाने के बाद आपकी 4 डिजिट एक साथ है. ठीक है, 4 डिजिट आपके एक साथ हो गए तो ये ब्लॉक में हम लगते हैं. ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 डिजिट एक साथ लेके फिर मेरे पास 2 डिजिट से फिर 2 डिजिट, तो ये भी रॉन्ग है. हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो 3 मिलियन की वैल्यू चाहिए. मैं अगर फर्स्ट वाली वैल्यू से मैच करूँ तो 3 मिलियन के बाद कॉमा, तो 3 के बाद मैं अपने कॉमा लगा सकती हूँ. 735,000 700 का हो गया और 35,000 का हो गया. ठीक है, 205, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है आपकी फिगर में जो लिखी थी करेक्ट है. मैं फर्स्ट वाली वैल्यू पे टिक मार्क लगाऊं और इस वैल्यू को आप यूनिट 110 करके भी आप रीड कर सकते हैं, ये वैल्यू आपकी इससे मैच कर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू 4 टी एम मीन्स. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आपके पास टी एम का मतलब क्या होता है, टी एम मीन्स क्या कहते हैं, 10 मिलियन, 2 मिलियन या ट्रिपल मिलियन. तो मिलियन के बाद आपके पास जो आता है वो 10 मिलियन होता है. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में टी एम का मतलब 10 मिलियन, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट. नेक्स्ट, 200 मिलियन
is a 7-digit number, 8-digit number, 9-digit number and 5-digit number. 200 million में आपके पास कितने digits होते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि million में कितने digit होते हैं या कितने zero होते हैं. Million के अगर मैं 1 million की बात करूँ, ठीक है मैं 1 million आपको लिखे बता दूँ. 1 million के लिए हमें यहाँ पे 1 के बाद comma show कर दिया. अब मैं यहाँ पे zero add कर दूँ कि million में कितने zero आते हैं. 1, 2, 3 comma 1, 2, 3 this is 0. Million में हमारे पास कितने zero होते हैं? 6 zero. 1 million की बात मैं आपको बता रही हूँ. 1 million की example दे रही हूँ आपको. तो 1 million मैंने यहाँ show किया है. मेरे पास कितने digit है? 7. Digit में मैं 1 को भी count करूँगी. जहाँ पे digit की बात आएगी वहाँ पे आप सारे numbers जितने भी लिखे होंगे आप सबको count करें. 1 million में कितने digit होते हैं? 7 digit. और 1 million में 0 कितने होते हैं? 6 0. आपके पास 200 million की बात हो रही है, ठीक है. अब मैं इसको 1 को रख कर देती हूँ. 200 की बात हो रही है, ये तो million के आपके 0 है, ठीक है. हाँ, 200 में क्या होगा? 2 और 100 के 2 0. 200 million. Million के 6 0, 100 के 2 0, कितने 0 हो गए? 6 plus 2, 8 और 2. 2 भी हमारा डिजिट है, ठीक है. तो इस 2 का भी हम काउंट करेंगे. तो मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 3 plus 3, 6 and 3, 6 plus 3, 9. तो 9 डिजिट हमारे पास. 200 million is a 9 digit number. नंबर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैं इसमें टिक लगाऊंगी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म. विच ऑफ द गिवन नंबर्स मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म. जो आपको नंबर गिवन है आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को मैच करना है. जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी गई है, एक क्वेश्चन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही शो करके दिया हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये किससे मैच होगा, कौन सा वाला नंबर इसका करेक्ट है. तो आपके पास फर्स्ट में 6 है, 6 के साथ आपके पास 6 जीरो ऐड हुए हैं, इट मींस मिलियन का है. 6 मिलियन 56,725. अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को मैं रीड करूं तो ये आपके पास 656,000 की वैल्यू है, 725. सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास 605 मिलियन, 607,205. थर्ड वाले ऑप्शन को मैं रीड करूंगी, 6 मिलियन 56,000 मिलियन. मैंने आपको बताया था 6 मिलियन का ये वाला, 6 मिलियन. तो ये 6 मिलियन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है. सेकंड है आपके 56,000. तो यहाँ पे जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है 56,000, ये से मैच हो रहा है 725. तो मैंने जैसे ही एक्सटेंडेड फॉर्म रीड की थी वो वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे नंबर थर्ड वाले ऑप्शन में मिल गई. तो ये आपका जो नंबर सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है. हम नंबर सी पे टिक मार्क लगाएंगे ब्लैक पेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9786120016. यहाँ पे आपको कहीं पे भी गैप नहीं दिया हुआ कि आप कहीं पे कॉमा लगा सकें, सिर्फ आपको एक वैल्यू दे दी गई है. अब आपको उसे क्या करना है, इस वैल्यू को रिटर्न इन द इंटरनेशनल सिस्टम. इस वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं करना, इसको जहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शन से मैच करना है कि इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे शो करेंगे, ठीक है. तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं आप इन 4 ऑप्शंस को चेक कीजिए इंटरनेशनल सिस्टम में. 3-3 डिजिट के बाद हम अपने जब राइट साइड से यहाँ से राइट साइड से हम काम करेंगे तो 3-3 डिजिट के बाद स्पेस होनी चाहिए, आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम देखते हैं 3 डिजिट के बाद कॉमा अगर आएगा तो फिर अगेन 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा. नो, ये रॉन्ग है. सेकेंड पे हम देखते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन आ गया 4 डिजिट एक साथ ही है, 4 डिजिट एक साथ आपके पास इंटरनेशनल में नहीं होंगे, ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट नंबर सी पे हम आते हैं,
थ्री डिजिट की बात कॉमा फिर अगेन थ्री डिजिट की बात यहाँ से इसीलिए कॉमा फिर अगेन थ्री डिजिट के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो ये जो नंबर सी वाला ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है ठीक है नंबर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है आप नंबर सी पे टिक मार्क करेंगे ब्लैक पेन से नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके स्टार्ट करेंगे न्यू पेज से आपका ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो गया है आप न्यू पेज से आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर फोर स्टूडेंट नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर फोर है ये आप ब्लैक पेन से राइट डाउन करेंगे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स ब्लैक पेन से राइट डाउन करेंगे फिर फर्स्ट वन है आपका वन फाइव डबल जीरो अगेन थ्री जीरो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये भी आप ब्लैक पेन से राइट डाउन करेंगे ओके और इसका जो आंसर होगा वो हम ब्लू पेन से लिखेंगे इनवर्स में लिखना आपको सबको ही आता होगा कि इनवर्स हम कैसे लिखते हैं इनवर्स का मतलब है आपको यहाँ पे इस पैरे पे लिखना है राइटिंग वर्ड्स ठीक है राइटिंग करनी है आपको इनवर्स में तो सबसे पहले आप इसे रीड आउट कीजिए मैंने यहाँ पे थ्री थ्री डिजिट के बाद ऐड किया है लास्ट के थ्री डिजिट से मैं काउंट कर रही हूँ कॉमा लगाऊंगी अगेन मैंने थ्री डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया ठीक है तो मैं इसे रीड करूंगी वन हंड्रेड सॉरी वन मिलियन फाइव हंड्रेड थाउजेंड मिलियन की वैल्यू है तो वन हम इस पैरेंट में लिखेंगे ओ एन ई वन मिलियन एम आई डबल एल आई ओ एन मिलियन वन मिलियन F I V E 500 H U N D R E D 100 अगर एक लाइन में आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे 1000 E X O U S A N D 1000 1 million 500 1000 सेकंड वन लाइन का स्पेस दीजिएगा जब आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पहले से साथ ही लिखिएगा ठीक है आपने सबसे पहले अपनी वैल्यू लिखी ब्लैक पेन से इसी का उसको भी साइन लगाने के बाद आप ब्लू पेन से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे आंसर अगर आपका टू लाइन में आएगा तो आप टू लाइन में आंसर लिखने के बाद वन लाइन का स्पेस देंगे ओके स्टूडेंट अब मैं नंबर बी स्टार्ट कर रही हूँ 16 कॉमा 30 कॉमा अगेन 30 तब आप इसे रीड कीजिए 60 कौन सी वैल्यू में होते हैं मिलियन की वैल्यू में आपके पास 60 आते हैं और 16 आपको नंबर दिया है तो 16 मिलियन मैं इस पैरेंट में कैसे लिखूंगी 6 16 million M I double N I O N million 16 million next question है मेरा number C 16 million तो आपका एक ही line में आ जाएगा इसके बाद आप one line का space देंगे 34 कॉमा 800 कॉमा 30 अब आपको पता चल गया कि आप मिलियन का वर्क कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके मिलियन के हैं तो आप मुझे रीड करके बताइए कि आप 34 मिलियन 800 थाउजेंड ठीक है अब हम इसे स्पेलिंग के साथ राइट डाउन करेंगे 34 million M I double L
I-O-N, million. E-I-G-H-T-Y. T, sorry, 800. 34,800,000. H-U-N-D-R-E-D. 100,000. 34,800,000. And last, 78,790. Spelling से लिखेंगे S-E-B-E and 78. Million. ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको ही समझ आ गया होगा कि ब्लू और ब्लैक पेन से कैसे वर्क करना है। ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है, बट आपकी कॉपी का ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर एंड इनवर्ड्स, जब आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ ही आप अपना इंडेक्स भी कंप्लीट करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने नंबरिंग कर ली होगी कॉपी में, तो कॉपी में जो नंबरिंग आपने की है वो पेज नंबर भी आप इंडेक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द नंबर्स इन द फिगर्स गिविंग द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर। अब आपसे कह रही हूँ जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपको नंबर से लिखना है, इंटरनेशनल नंबर में आपको उसे राइट डाउन करना है फिगर में, और स्पेस आपको करेक्टली लगाना है। जो आप कॉमा लगाएंगे वो आपको बिल्कुल करेक्ट कॉमा लगाना होगा, स्पेस आपको करेक्ट देना। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मिलियन 900,000. वन मिलियन 900,000। अभी आपको इनवर्ड से लिखे दिया, ठीक है, तो इस टाइम आपका इनवर्ड नहीं है, आपको इसे फिगर में चेंज करना है। जैसे पहले आपको फिगर में दिया था और आपने इनवर्ड में लिखा था, ठीक है, तो ये आपका जो 1,900,000 है ये आप ब्लू पेन से लिखिएगा। आपने क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा, उसके बाद नंबर 1 आप ब्लू पेन से लिखिएगा। जो इसका वन वर्ड हम आंसर लिखेंगे, आप फिगर में जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो 1,900,000 में कैसे लिखूंगी, 1 क्योंकि 1 मिलियन का है तो मिलियन के लिए मैंने कॉमा लगा दिया, 900 9 लिखूंगी, 100 में कितने जीरो होते हैं, 20, तो 9 के साथ मैंने 20 ऐड किए, 100 के बाद मैं कॉमा लगा दूंगी, ये इंटरनेशनल नंबर है तो 3 डिजिट हो गए हमारे कंप्लीट, 3 डिजिट कंप्लीट होते ही मैं कॉमा लगाऊंगी, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 30, तो मैं 1000 के 30 यहाँ पे शो करूँ। अब आप इसे रीड कर सकते हैं इजीली, 1,900,000, ओके। सेकेंड है 800,000,040,000। एट
हंड्रेड की अगर मैं बात करूँ तो मैं एट हंड्रेड हंड्रेड के मैं टू जीरो यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे मिलियन 40 मिलियन को भी कंप्लीट करना है। मिलियन में आपको पता है कि आपके पास 6 जीरो होते हैं, ठीक है। 40 मिलियन की बात होगी तो आपके पास कितने जीरो होने चाहिए? ओनली 7 जीरो आपके पास होने चाहिए क्योंकि लास्ट आपका 40 मिलियन है, तो 40 मिलियन में आपके सिर्फ 7 जीरो होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी जीरो ऐड कर दूँ 800 और फिर मैं 40 मिलियन लिखूंगी तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हंड्रेड और मिलियन के जीरो हम एक साथ कंबाइन करेंगे, कैसे? 840 मिलियन, तो 840 मैं लिखूंगी, ठीक है। तो ये 100 जो है ये यहाँ पे आता है 840। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बात? 840 मिलियन का मैंने यहाँ पे 840। अब आप इसको अगर सिंपल रीड करें, सिंपल आप इसे रीड करेंगे, आप क्या रीड करेंगे? 840 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 840, तो वो यहाँ पे आ गया 840। अब मैं सिर्फ मिलियन के जीरो ऐड कर दूँ, कितने जीरो? पहले 3 फिर कॉमा और फिर 3 जीरो, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया 840 मिलियन। लास्ट क्वेश्चन है आपका 700 मिलियन। 700 मिलियन, आप 700 मिलियन को आप कैसे राइट डाउन करेंगे? पहले तो मैं 7 लिखूंगी, 7, अब मैं 100, 700 है ना, 700 पूरा कंप्लीट मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं मिलियन के जीरो ऐड करूंगी, जबकि हमने ऊपर वाली वैल्यू में 800 का, तो मैंने यहाँ 100 के जीरो नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास आगे दूसरा नंबर निकला 40 का, तो इसलिए मैंने 840 किया था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास 700 के बाद मिलियन के साथ कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ 700 पूरा लिखूंगी और फिर मैं मिलियन के जीरो ऐड करूंगी। ओके, तो ये आपका हो गया 700 मिलियन, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट बहुत अच्छे सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और जैसे मैंने आपको बताया है ब्लू और ब्लैक पेन किस तरह से यूज करना है आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा और इंडेक्स जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छा सफाई से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। थैंक यू।